बहुत सारे लोगों के कमेंट के बाद कि काफ़ी टाइम यूज करने के बाद, करीब 1 साल तक इस पैड को यूज करने के बाद हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, इसको जानना चाहते थे लोग, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो मैं बना के आपको दिखा दूँ। ये मेरा पैड है, करीब मैंने 1 साल से ऊपर ही यूज किया है और अभी आप देखें तो एकदम से स्टर्डी ही है, लुक भी कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं है। और ये पेन है जो Xiaomi Pen 2 है, इसी के साथ इसके अंदर जाएं तो डिफरेंट टाइप के ऐप्स हैं, अभी भी इसका फंक्शन फास्ट ही है बाकी चीज़ों से। और ये पेन अभी भी कनेक्ट हो जाता है, इसमें फिजिकली कोई चेंजेस नहीं आए। बहुत लोगों को इसके टिप के बारे में क्वेश्चंस थे कि क्या टिप ख़राब हो जाती है, कितने टाइम तक चलता है, तो 1 साल से ऊपर ये टिप मैंने चलाया और अभी तक फिजिकली कोई चेंजेस नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल 4 साल तो अगर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ना हो तो फिजिकली बिना फोर्स अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये पेन चलनी चाहिए और बस स्क्रीन पे ही लिखने का काम है तो चलनी चाहिए। रिसेंट में मैंने डिफरेंट टाइप के ऐप्स भी इस्तेमाल किए नोट टेकिंग के, उसमें से एक ऐप मैंने देखा जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसका नाम है इनक्रेडिबल। इसमें कुछ फीचर्स जो है वो पेड है, कुछ फीचर्स फ्री है, जो मैंने फ्री वाला वर्जन था मैंने इसमें इस्तेमाल किया। और आप ऐसे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके नोट्स कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करने पड़ेंगे। और अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर बन जाएगा। 3 की लिमिट है, मैंने 3 की लिमिट क्रॉस कर दी है, 3 और 3 नोट्स मैंने बना दिए। हालांकि इसमें आप डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनों भी चाहे उतना। इस ऐप की खास बात ये है कि मैंने इस पे ये लाइन वाले पेज का इस्तेमाल किया है और इसमें जो राइटिंग है वो फाउंटेन पेन वाली राइटिंग है। मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, ये मेरी राइटिंग इस पे है। अगर मैं नए पेज पे जाती हूँ और यहाँ पे इरेजर की जगह फाउंटेन पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ, सपोज मैं लिखती हूँ, सोशल इवोल्यूशन, तो इसका सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम से ऐसे बनाए हैं कि आपको फाउंटेन पेन वाला ही लुक का है। एजेज जो है वो चपटे और कहाँ पे फोर्स लगेगा ये सारी चीज़ें ये फाउंटेन पेन वाला ही आएगा। तो अगर आपको नोट टेकिंग ऐप्स को ट्राई करने में अच्छा लगता है और आप रिसेंट में ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा लगा। बाकी तो इस टैबलेट में कुछ चेंज नहीं आया है, यही मेरा रिव्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।